चुनाव में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कॉर्पोरेट फ्रॉड की भरपाई के लिए हुई थी नोटबंदी। मथुरा में अन्न छोड़ने पर बिगड़ी दिनेश शर्मा की हालत, 4 दिन पहले लिया था अन्न छोड़ने का संकल्प। सिद्धार्थनगर में दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा सांसद, सफाई कर्मियों को बांटे उपहार और मिठाई। राज्य मंत्री ने लोकल फॉर वोकल को दिया बढ़ावा, लोगों को दी दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। QR कोड वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मोबाइल से स्कैन करने पर बजेगी आरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं सत की बड़ी खबरों के साथ। आगरा से सत की बड़ी खबर, बहुकर्मियों ने किया सुसाइड, ब्रह्म कुमारी आश्रम में दो ब्रह्म कुमारियों ने की सुसाइड। आश्रम के 4 कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4th आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सुसाइड नोट में चारों को बताया सुसाइड का दोषी, उत्पीड़न और पैसा ऐंठने का लगाया गया आरोप। पूरी वारदात थाना जगमेर क्षेत्र के ब्रह्म कुमारी आश्रम की बताई जा रही है। इस घटनाक्रम में 4 टीमें थाने की सर्च लगाई गई है, थाना जगमेर और थाना बसे जगमेर दोनों की पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 4 टीमें गठित की हैं जो अपने अपने दबिश दे रही हैं, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अक्यूज की एक अक्यूज नीरज अभी गिरफ्तारी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में लगने वाला महोत्सव हुआ स्थगित, 4 साल बाद लगने जा रहा था महोत्सव। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगना था लखनऊ महोत्सव, जनवरी में लखनऊ महोत्सव के आयोजन की हो रही थी तैयारी। अपरिहार्य कारणों से महोत्सव को किया गया स्थगित। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में लगने वाला महोत्सव हुआ स्थगित, 4 साल बाद लगने जा रहा था महोत्सव। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगना था लखनऊ महोत्सव। डायल 112 के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सपा नेता पूजा शुक्ला को किया गया गिरफ्तार। धरना स्थल के पास से पुलिस ने पूजा शुक्ला को गिरफ्तार किया। गौतमपल्ली थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। डायल 112 के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी, सपा नेता पूजा शुक्ला को किया गया गिरफ्तार। धरना स्थल के पास से पुलिस ने पूजा शुक्ला को गिरफ्तार किया। गौतमपल्ली थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी रुकते हैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए। अकरम मलिक BDC सदस्य, ब्लॉक सहसवान, कस्बा उघैती बदायूं की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अकरम अली शेर जोएव मेडिकल स्टोर, गांव घानसोली बदायूं की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और गाँव वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान श्रीपाल सिंह की ग्राम पंचायत लोथर बदायूं की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और गाँव वासियों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष किराना स्टोर उघैती बदायूं की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और गाँव वासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष किराना स्टोर उघैती बदायूं की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अब खबरें विस्तार से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में 7 वर्षीय खंजाती का जन्मदिन मनाया, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश ने देशवासियों को दिवाली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं नोटबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो 15 लाख करोड़ का कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ था, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, इसलिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। अभी भी याद नहीं कर रहे, इतने वर्षों के बाद भी नोटबंदी
जो जो उन्होंने बातें रखी थी कि नोटबंदी से ये लाभ मिलेगा, नोटबंदी का ये परिणाम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे घूम जाएगी या गरीबों की जेब में इतना पैसा पहुंच जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बातें कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पिछले इतने वर्षों के बाद भी अगर हम उनके कार्यकाल का आकलन करें तो कहीं ना कहीं नोटबंदी करके सोची समझी रणनीति के तहत ये मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने 4 दिन पहले अन्न छोड़ने का संकल्प लिया था, जिसके चलते आज उनकी हालत बिगड़ती नजर आई। दिनेश शर्मा को उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया और चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उनका बीपी लो बताया गया। इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश पाठक ने बताया कि उनका परीक्षण चल रहा है, दिनेश शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती है, सभी जाँच कराई जा रही है, जल्द ही उनकी हालत में सुधार होगा। जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और मुख्यवादी दिनेश शर्मा जी को बेचैनी महसूस हुई और कुछ असहज महसूस कर रहे थे, चक्कर आ रहा था, तत्काल उन्हें जयगुरुदेव हॉस्पिटल पर भर्ती कराया गया। यहां वरिष्ठ चिकित्सक ए के गौतम जी की देखरेख में चिकित्सीय जांच हुई है। अब जो जांच की रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर आगे ट्रीटमेंट चलेगा। 4 दिन पहले इन्होंने अन्न का त्याग किया है, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जब तक ईदगाह नहीं हटेगी तब तक मैं उत्तर प्रदेश के। दीपावली पर्व के मद्देनजर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा सांसद ने करीब 90 संख्या में सफाई कर्मचारियों में दीपावली की मिठाई के साथ वितरित किया। सांसद ने बात करते हुए कहा कि आज उनके द्वारा दीपावली के पर्व पर यह छोटा सा उपहार उनकी जिंदगी में बदलाव तो नहीं लाएगा, लेकिन उनकी खुशियां जरूर बढ़ जाएगी और उनके साथ ये पल बिताकर मुझे और उनके अपनेपन का एहसास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 51 घाटों पे 21 लाख दिया वहाँ के डिग्री कॉलेज अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लड़के लड़कियाँ एक साथ उन दियों को दीपित करेंगे, प्रज्वलित करेंगे और उससे पूरी दुनिया में जो त्रेता युग में जब भगवान राम लंका का दहन करके रावण का वध करके आए थे और जिस तरह से उस समय अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाया था दीपक से, आज उसी तरह का एक छटा पूरी दुनिया में जा रही है। उस दीपावली के पर्व पे सोहरतगढ़ वासियों को, इस नगर पालिका के चेयरमैन उमा अग्रवाल जी को, रवि जी को, सभी सभासदों को शुभकामनाएं, प्रदेश देशवासियों को शुभकामनाएं, और अगर अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही तो यहाँ वो स्वच्छाग्रही जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अगर देश स्वच्छ होगा तो पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण होगा, और उन्होंने प्रयाग के कुंभ में पाँव पखारा था। आज हम सोहरतगढ़ के जो सुबह से 5 बजे से लेकर रात तक इस सोहरतगढ़ के वार्ड को, नगर पंचायत को। इंदू खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इंदू डायग्नोस्टिक सेंटर एंड पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर हुजूरपुर रोड पयागपुर बहराइच की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और गांववासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जयप्रकाश सिंह समाज सेवी पयागपुर बहराइच की तरफ से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवरिया में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हस्तनिर्मित वस्तुओं की खरीदारी सलेमपुर के स्टेशन रोड से की। राज्य मंत्री ने दिवाली मनाने के लिए मिट्टी के दिए, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदी, साथ ही लोगों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा राज्य मंत्री ने लोगों से दिवाली पर्व पर मिट्टी के दीप जलाकर अपने घर और आंगन को रोशन करने की अपील की। उन्नाव में दिवाली के अवसर पर ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन के तहत समूह में काम करने वाली महिलाओं ने QR कोड वाली गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई हैं, जिसको मोबाइल से स्कैन करने पर आरती और हैप्पी दिवाली का संगीत बजता है। जिला प्रशासन की तरफ से दिवाली में मुख्यालय
के साथ जिले के सभी ब्लॉक में भी उत्सव सखी कॉर्नर लगाया गया, जहां स्टॉल में लगे दीपक, झालर, मिट्टी से बने दीपक और कैंडल की तरह बनी मिठाइयां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। वहीं सीडीओ ऋषिराज ने बताया कि रोजगार और बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिनको उत्सव सखी का नाम दिया गया है और इनके द्वारा बनाए गए सामानों का काफी क्रेज और डिमांड भी है। बदायूं में कुएं से ईंटें निकालने के दौरान मिट्टी की ढांग गिरने से मिट्टी में दो सगे भाई दब गए, जिसके बाद दोनों सगे भाइयों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दोबारा फिर से मिट्टी की ढांग गिरने से परिवार का एक अन्य व्यक्ति दबकर घायल हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अंशु जैन चित्रकूट की तरफ से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद दानिश, श्रीमती तैयबा खातून, प्रबंधक मदरसा जामिया, सैयद अब्दुल गनी, कल्याणपुर, नवाबगंज गोंडा की तरफ से समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चित्रकूट में दीपावली पर नेत्रहीन बालिकाओं के हुनर से तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए दृष्टि संस्था ने दीपावली मेले का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चियों के उत्पाद की सराहना करते हुए जमकर खरीदारी भी की और उनके बीच मिठाई बांटकर दिवाली की खुशियां मनाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दृष्टि संस्था की नेत्रहीन बालिकाओं ने आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी दूसरों के जीवन में रोशनी भरने का काम किया है और उजाला लाने के लिए दीपक, मोमबत्ती, फूलबत्ती और अगरबत्ती आदि का निर्माण किया है, जो काबिले तारीफ है। सर, हमने तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में बेरोजगार एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्य लोगों को तो नौकरी मिल जाती, पर हम दृष्टिबाधित लोगों को नहीं मिल पाती, इसलिए ऐसे समय में हमारे आदरणीय गुप्ता सर ने मोमबत्ती बनाना, लिफाफा बनाना, मिठाई के डिब्बे बनाना और इत्यादि, जैसे मसाला, दलिया, अचार वगैरह और कच्चे माल से लेकर पूरे कच्चे माल लेकर आते हैं, फिर उसको हम लोग तैयार करते हैं, मार्केटिंग करना। दिवाली के अवसर पर महोबा में पटाखे की दुकान सज चुकी है। दुकानों में सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। पटाखों की दुकानों में ग्राहक भी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने शहर से दूर पुलिस लाइन के बगल में मोदी ग्राउंड में पटाखे की दुकान लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कई दुकानदारों ने पटाखे की दुकान लगाने के लिए पंजीकरण कराया। दुकानों में सैकड़ों तरह के लुभावने पटाखे सजे हुए नजर आए। इस बार रंग बिरंगे आवाजों वाली पटाखों की धूम है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्राउंड में सजी पटाखों की दुकानों की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी तैनात की गई है। सर, दीपावली के अवसर पर हर साल मोदी ग्राउंड में पटाखे की दुकान लगती है, इसलिए पूरी मार्केट लगी हुई है और हम लोगों को ग्राहकों का इंतजार है, क्योंकि ये साल का त्योहार है, इसलिए पटाखे की दुकान है। महोबा में वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बूढ़े माँ बापों की ऐसी ही अपनी अपनी दास्तान है। वही दीपावली के अवसर पर महोबा जिले की पुलिस अधीक्षक आधारशिला वृद्धाश्रम पहुंची, जहां एसपी ने वृद्धों को दीपावली के बीच पर्व को मनाते हुए आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को फल, मिठाई और मिट्टी के लिए भेंट किए। अपने परिवार से दूर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग जनों ने एसपी को आशीर्वाद दिया। वहीं एसपी के इस कार्य की पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप कभी कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेगा ब्रेक के बाद। आज जैसे कि आप जानते हैं छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, तो सभी नगरवासियों को, देशवासियों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके साथ साथ हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि अपने आप को स्वस्थ रखें। जैसे कि आप जानते हैं क्रैकर्स बहुत पॉल्यूशन बनाता है, तो प्लीज आप अपने आप को और अपने कस्बे को हेल्दी और साफ। हरदोई के कोथावा में पुलिस चौकी के पास स्थित हीरो बाइक एजेंसी के शोरूम में शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। शातिर चोरों ने चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ दिया और ऊपर की ओर मोड़ दिया। इसके साथ ही चोर डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रात्रि में चोरों द्वारा शटर उठा के
कुछ चोरी किया गया है जिसमें अभी खुलासा तो नहीं हुआ है। आबादी का कहना है कि अभी नकदी गया है, उसकी बाद में अलग से रिपोर्ट देंगे। इसके लिए फिंगरप्रिंट को उठवाया गया है, फील्ड यूनिट बुला के और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।